नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, यूनेस्को भारतीय पुरातत्व संरक्षण और पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी में 17 अप्रैल से विश्व विरासत पर सब रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूनेस्को नई दिल्ली ऑफिस इंचार्ज हिचकिल दिलमिनी और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 17 अप्रैल से शुरू हो रही दो दिवसीय सम्मेलन के लिए राजधानी आ रहे प्रतिनिधियों को 16 अप्रैल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची का भ्रमण कराया जाएगा। वहीं 17 और 18 अप्रैल को विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और आगामी रणनीति जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विश्व धरोहरों के संरक्षण की दिशा में पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों को देखेगा और 50 वर्षों के बारे में मंथन करेगा, जिसका केंद्र विश्व विरासत और सतत विकास, विश्व विरासत और सतत पर्यटन के अलावा विरासत और वैश्विक रणनीति जैसे विषय होंगे। सम्मेलन सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। 16 तारीख से हमारे, बल्कि मैं कहूँ 17 और 18 तारीख को, अप्रैल को यूनेस्को जो प्रतिवर्ष एक सब रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के देश भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि सभी देश सम्मिलित होते हैं, वो सब रीजनल कॉन्फ्रेंस इस बार मध्य प्रदेश और भोपाल में हो रही है। 17 और 18 अप्रैल को मिंटो हॉल में होगी, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगी। और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे, कल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के, भारत सरकार के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्ट्री के, ASI के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सभी प्रमुख सिविल सोसाइटी और टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कंसल्टेंट्स इसके हिस्सेदार होंगे, बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस जो कि कल्चरल हेरिटेज को कंजर्वेशन में मदद करती हैं, आगा खान ट्रस्ट जैसी संस्थाएं, वो सब इसके हिस्सेदार होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो कंजर्वेशन की दिशा में काम करते हैं, जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उनके कई सारे जो देश में कैंपसेस हैं वहाँ से लोग आएंगे, और भोपाल के भी जितने प्रमुख इंस्टीट्यूशंस हैं, मैनिट, SPA, NID, NIFT, हायर एजुकेशन के कॉलेजेस जहाँ पे हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो सभी लोग, बच्चे वहाँ के आएंगे, जो इस कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श होगा। विचार विमर्श का मुद्दा होगा पिछले 50 वर्षों में, यूनेस्को ने अभी अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं नवंबर 2022 में, उसी के उपलक्ष में ये विचार मंथन होगा कि गत 50 वर्षों में हेरिटेज कंजर्वेशन में क्या काम हुआ, कैसे काम हुआ, उसमें क्या अच्छाइयाँ रहीं, क्या कमियाँ रहीं, और इसके आधार पर अगले 50 वर्षों में हेरिटेज कंजर्वेशन की दिशा और दशा क्या होगी, उसके बारे में मंथन होगा। 150 के आसपास जो हमारे एक्सपर्ट्स पूरे देश से, विदेशों से जुड़ेंगे इसमें, यूनेस्को के भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे, यूनेस्को के दिल्ली ऑफिस के हेडक्वार्टर के पेरिस से भी। ये प्रश्न बड़ा आप लोकल ओरिएंटेड वो हो रहा है पूरा प्रश्न, मैं बता रहा हूँ HUL की अप्रोच अलग है। HUL की अप्रोच ये है कि पूरे ग्वालियर की जो वहाँ की पारंपरिक विरासत है, चाहे वो टैंजिबल हो या इनटैंजिबल, टैंजिबल से मतलब है मॉन्यूमेंट बेस्ड हो या वहाँ की प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशंस हो, हर शहर की अपनी कुछ प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस भी होती हैं। जैसे वहाँ पे एक म्यूज़िक सबसे उभरा हुआ ट्रेडिशनल चीज़ है, परंतु वहाँ पे वहाँ का खान पान भी वहाँ का ट्रेडिशन हो सकता है, वहाँ की अन्य बहुत सारी परंपराएँ हो सकती हैं जो वहाँ की ट्रेडिशन हो। इन सब को समेकित करते हुए उनको डॉक्यूमेंट करना, उन्हें कैसे केंद्र बिंदु में रख करके भविष्य का डेवलपमेंट की योजना बनाई जाए कि वो प्रभावित नहीं हो विपरीत रूप से, और बल्कि उन्हें हम उजागर करके, उभार करके, और कैसे उनको दुनिया के सामने प्रस्तुत करें कि बाकी लोगों को भी मालूम पड़े कि ग्वालियर एक सिटी ऑफ म्यूज़िक है, जहाँ पर पारंपरिक रूप से कितने घराने समृद्ध हुए और वो म्यूज़िक आज पूरी दुनिया में है और वो पूरी दुनिया को दिशा देता है। तो ये HUL प्रोग्राम एक होता है यूनेस्को का, उसके तहत हम मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं यूनेस्को की कंसल्टेंसी से, और जब ये लागू होगा, आगे की और कार्रवाइयाँ होंगी तो आपको और समझने पर जानकारी मिलेगी, और जो विषय वस्तुएं हैं उन पर डिटेल डेलिब्रेशन होंगे, चर्चाएं होंगी, एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी,
तो इससे एक रोड मैप उभरेगा यूनेस्को, जो उसको अन्य देशों के साथ साझा करेगा। ये एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम मध्य प्रदेश की आर्कियोलॉजी, यहाँ की हेरिटेज और उसमें कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं वो भी हम सभी डेलीगेट्स के सामने रख सकें, पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें। इसमें हम इसलिए उनको न केवल एक सत्र के दौरान इसके बारे में जानकारी देंगे, बल्कि हम सांची का भ्रमण कराएंगे। मध्य प्रदेश चूँकि आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर भोपाल के ट्रैवल म्यूज़ियम, स्टेट म्यूज़ियम, मानव संग्रहालय, बड़े तालाब में क्रूज़, इन सब का अनुभव भी कराएंगे। मध्य प्रदेश का आतिथ्य, मध्य प्रदेश का भोजन, खासतौर से मिलेट बेस्ड भोजन, यहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, चाहे वो नृत्य की फॉर्म में हो, चाहे वो पेंटिंग की फॉर्म में हो, इन सब का उनको अनुभव कराया जाएगा। और हमारा प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश में जो सांस्कृतिक समृद्धता है उसका रसा स्वादन ये सभी डेलीगेट्स पूरे देश दुनिया से जो आ रहे हैं उन तक ये हम पहुंचा सकें। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।